हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे इज संडे, थोड़ा सा लेजी डे चल रहा है, बट आई एम सिटिंग ऑन अ सी साइड। लुक एट दिस, इज सो ब्यूटीफुल। और इस पार्क का नाम है सेका पार्क। इस पार्क की वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज मौसम चूंकि बहुत अच्छा है, मौसम इज रियली ऑसम, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस पार्क की थोड़ी और सैर कराता हूँ। तो चलते हैं और आपको ये थोड़ा सा पार्क दिखाते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले यू कैन सी this is the seaside where I was sitting and the waves are really nice. और ये जो place है, this is like a wedding place. यहाँ पर शादी वगैरह hall, ये शादी hall है, यहाँ पर शादी वहाँ वगैरह होती हैं। और यहाँ पर ये park देखें, और आज light देखो, sunlight is really nice. और ये families वगैरह हैं यहाँ पर। So this is again, this is a wedding hall. यहाँ पर शादियाँ वादी होती हैं, तो यहाँ पर ये restaurants हैं, और यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज हैं। और इस तरफ ये जो आप एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज बारबेक्यू प्लेस। अगर आपने पार्क में बैठकर बारबेक्यू करना है, तो दिस इज़ दैट प्लेस। और ये है सिक्योरिटी गार्ड, और ये साइकिल्स हैं, आप यहाँ पर साइकिल्स भी ले सकते हैं टू गो अराउंड द पार्क। और मैं साइकिल ही लूँगा, लेट्स टेक द साइकिल। तो ये आप अपने बस कार्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं साइकिल लेने के लिए भी। यहाँ पर आप इसको पंच करते हैं, एंड उसके बाद फिर आपने एक पासवर्ड एंटर करना होता है, और ये साइकिल जो है आपकी ऐसे आपको मिल जाती है। सो अब हम चलते हैं साइकिल पर और आपको सेका पार्क की सैर कराते हैं। तो आज आपको साइकिल पर थोड़ा सा सेका पार्क घुमाते हैं, लेट्स गो। ये साइकिलिंग का पाथ बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, और मौसम बहुत ही अच्छा है। और ये देखो बाकी लोग भी साइकिल वगैरह पे घूम रहे हैं। लोग यहाँ पर रनिंग वगैरह भी करते हैं, जैसे ये लोग वॉक वगैरह कर रहे हैं, एंड इट्स रियली नाइस, एवरीवन इज एंजॉयिंग एंड सो ब्यूटीफुल। इस तरफ भी आप देख सकते हो समुंदर, बहुत अच्छा लग, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और वो पीछे माउंटेन्स भी हैं। मैं तो तकरीबन रोज़ ही इस पार्क में जो है ये साइकिलिंग करता हूँ। जब भी मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है, तो मैं यहाँ से साइकिल ले लेता हूँ। इट्स सो फन यू नो, साइकिलिंग इन दिस ब्यूटीफुल प्लेस। सो मैं आपको यहाँ पर एक और माउंटेन दिखाता हूँ, यहाँ पर लोग काइट फ्लाइंग भी कर सकते हैं, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। दिस ज़िपलाइन इज़ ऑल्सो फ्री अगेन। Zip line. People are enjoying. और ये जो प्लेस है यहाँ पर ये लोग स्केटिंग वगैरह करते हैं। Let me show you this also. और यहाँ पे नॉर्मली सुबह सुबह मैं रोज यहाँ पर एक्सरसाइज करने आता हूँ। It's really a nice place. और ये बच्चे वगैरह हैं, enjoy कर रहे हैं अपने friends के साथ Sunday. और ये देखो ये जो एरिया है ना, ये माउंटेन, इस माउंटेन पर आप काइट फ्लाइंग कर सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन दिस माउंटेन यू कैन फ्लाई काइट्स। ये देखो ये बच्चे काइट्स उड़ा रहे हैं, और यहाँ पर इस तरह की गुड़ियाँ मिलती हैं, पाकिस्तान जैसी गुड़ियाँ नहीं होती। ये माउंटेन के ऊपर से व्यू है, यहाँ पर ये देखो कुछ लोग बैठे हुए हैं लाइक यंगस्टर्स, एंड दिस इज़ द सी साइड और दिस इज़ द पार्क। मैं देखो वहाँ पर लिखा हुआ है खुजाइले, द सिटी खुजाइले, इट्स रियली ब्यूटीफुल। On this side, this is old city. और इस तरफ ये फोटो शूट चल रहा है। एक दिन हम लोग यहाँ पर काइट फ्लाइंग करने आए थे, और उसकी भी हमने कम्प्लीट वीडियो बनाई थी। अगर आपको काइट फ्लाइंग की वीडियो भी देखनी हो, तो वो भी आपको लिंक में मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ आपको थोड़ा और सेका पार्क दिखाता हूँ, लेट्स गो डाउन। लुक एट दिस, यहाँ पर इस तरह की काइट्स होती हैं, देखो स्पाइडर मैन बना हुआ है भाई, स्पाइडर मैन उड़ रहा है हवा में, इट्स वेरी नाइस यू नो। आज हवा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इट्स द बेस्ट डे फॉर काइट फ्लाइंग। लुक एट दिस, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं साथ में फैमिलीज, या नाइस। ओके लेट्स गो, लेट्स टेक आवर साइकिल एंड लेट मी शो यू मोर पार्क, इट्स रियली फन यार, आई लव दिस प्लेस, खुजाइले इज ब्यूटीफुल। और आप देख सकते हो कितना पीसफुल है, हर कोई अपना सुकून से इंजॉय कर रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो संडे को कर रहा है यहाँ पर आकर। बच्चों के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पार्क्स हैं, झूले हैं, काइट फ्लाइंग है, और स्केट बोर्डिंग भी है जो मैंने आपको दिखाई है, तो इट्स रियली नाइस। हाँ, सो दिस वॉज द माउंटेन,
तरफ को हम चलते हैं। कहते हैं फैमिलीज, हर किसी ने स्पाइडरमैन जैसी गाइड पकड़ी हुई है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन, लेट मी शो यू सम मोर पार्क, सम मोर फैमिलीज, सम मोर पीपल एंजॉयिंग। और ये देखो लेफ्ट साइड पे बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह लगाए हुए, सो पीसफुल। देखो यंगस्टर्स हैं, कपल्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये देखो मुत्तु शहीद को जाए ले, इसका मतलब ये है हैप्पी सिटी को जाए ले। लुक, देयर इज अ बिग पार्क, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा झूले हैं यहाँ पर, आपको जैसे ये अंदाज़ा हो रहा होगा। इट्स वेरी नाइस रहा। एंड लुक ऑन दिस साइड, देयर इज स्टिल वी हैव सी साइड ऑल अलोंग द पार्क। देखो यहाँ पर अभी तक झूले जा रहे हैं भाई, बच्चों की तो याशी है यहाँ पर फुल। लुक, वो देखो लोग वहाँ तक गए हैं, वहाँ पर जाके तस्वीरें लेते हैं। और वो देखो ऑन दी अदर साइड देयर आर माउंटेन्स, वो भी बहुत प्यारा लगता है। द सी इज ब्यूटिफुल, नाउ लेट्स गो अप अगेन। यहाँ पर ये मज़ीद पार्क अभी कंटिन्यू है, फैमिलीज ही फैमिलीज हैं, कपल्स भी हैं, फैमिलीज आई मीन। एंड द प्लेस इज ब्यूटिफुल, कुछ लोग पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे फिशिंग करने भी आते हैं। और आप लोग ये साइकिल की तरह ये मारुति भी ले सकते हो, दिस मारुति इज आल्सो पब्लिक, यू नो, लुक एट दिस। अभी तक झूले चल रहे हैं, बच्चों के लिए फुल उन्होंने ना हैवी निज़ाम यहाँ पे किया हुआ है कि बच्चे आएंगे तो हर तरह से इंजॉय कर सकते हैं। एंड लुक, लेट्स मूव ऑन। Wow, this cycling vlog is really nice. And look, there is also one plane over here. ये भी प्लेन की भी कोई बड़ी स्पेशल कोई हिस्ट्री है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट पार्क के अंदर आपको ये प्लेन भी मिलेगा, आप इसके ऊपर चढ़ के जो है तस्वीरें वगैरह ले सकते हैं। दिस प्लेस, ऑन दिस प्लेस इवन, ये जो जगह इन्होंने बनाई हुई है, ये जगह इसलिए बनाई हुई है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है। वाह, देखो, और इस तरफ सारे कैफेज जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज़ लाइक मोंटी एयर, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मिलेंगे आप। यहाँ पर सुबह सुबह लोग नाश्ता वाश्ता भी करने आते हैं, लोग पीपल आर सिटिंग ओवर देयर। और यहाँ पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, इट्स लाइक इकोनॉमिकल। लुक एट दिस, ये देखो ये स्केटिंग कर रहे हैं भाई साहब। एंड लुक एट दिस, देयर आर बर्ड्स, सीगल्स, नाइस। ये देखो ये रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर आपको अच्छी खाने की चीज़ें मिल सकती हैं, और के पिक्चर्स वगैरह, सम फूड, सम पीपल, सम फन, लॉट ऑफ फन। लुक, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इस तरह। एवरीवन इज आउटसाइड टुडे आई गेस। और देखो ये देखो यहाँ पर सीगल्स हैं, लोग इनको ब्रेड्स वगैरह फेंकते हैं तो ये बड़ा इंजॉय करते हैं, और ये आपके हाथ से भी ब्रेड खींच के चले जाते हैं। पीपल आर टेकिंग पिक्चर्स ओवर हियर, वाओ नाइस। वो देखो लोग ना यहाँ पर ब्रेड्स वगैरह फेंकते हैं तो ये सीगल्स पर आकर ना पकड़ लेते हैं ब्रेड। ये देखो यहाँ पर अभी तक झूले चल रहे हैं, बच्चों के लिए हर तरह का झूला लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। Look at this, yeah, it's amazing, incredible place for a family, you know. You can, और आप ये भी देख रहे होंगे कितनी सफाई है यहाँ पर, कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है कुजायले की, इट्स रियली नाइस, यू नो, ये रोज़ इस पार्क को साफ करते हैं, यहाँ इसको मेंटेन रखते हैं।
ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर काफ़ी किस्म के परिंदे हैं, बूढ़े लोग भी सैर कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, फैमिलीज हैं, एवरीवन इज़ हियर, पीपल आर कमिंग हियर विद देयर डॉग्स, विद देयर पेट्स, सो इट्स अ नाइस प्लेस. आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब. आई थिंक कि आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि किस तरह का कि किस तरह का एटमोसफेयर है यहाँ पर. वो देखो छोटे छोटे बच्चे, क्यूटी पाए, एंड गर्ल्स एंड फैमिलीज. देखो रोते हुए बच्चे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं ना लगते. इसलिए फैमिलीज बाहर ले आती हैं उनको. वाह, ये देखो यहाँ पर मजीद रेस्टोरेंट्स हैं, दोन दुरमा, यहाँ पर आइसक्रीम भी मिलती है. शाम में बड़ी रौनक होती है यहाँ पर, लाइव म्यूजिक होता है इन रेस्टोरेंट्स में. Look at this. Isn't it beautiful? नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको एक पार्क कैसा लगता है. एंड इफ़ यू वॉन्ट विजिट दिस प्लेस, यू आर वेलकम. कम टू कुजाले गाइस, कम टू कुजाले, विजिट अस. लोग वहाँ पर लोग ना फिशिंग भी करते हैं अक्सर, अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वहाँ पर अक्सर ना लोग आते हैं फ़िशिंग के लिए. एंड लुक एट दिस, और यहाँ पर मज़ीद कैफेज हैं, अ प्लेस टू सेट. देर आर सो मैनी बर्ड्स ओवर हियर, लेट मी जूम इट. लुक, इतने सारे बर्ड्स हैं, सीगल्स हैं और कुछ लाइक आई डोंट नो, देर आर डक्स ऑल्सो. नाइस, और ये देख रहे हैं आप, ये सारे कैफेज हैं लाइन वाइज, एंड दे आर ऑल वेरी नाइस कैफेज. मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर अभी काफ़ी लोग होंगे. सुबह सुबह लोग यहाँ पर नाश्ता वाश्ता करने आते हैं. हमने एक नाश्ते की भी वीडियो बनाई थी यहाँ पर, नाश्ते की वीडियो भी आप देख सकते हैं इफ यू वांट, इफ यू वुड लाइक टू चेक. देखो लाइटिंग वगैरह, रात को लाइटिंग होती है यहाँ पर बड़ी अच्छी किस्म की. कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई बच्चों को सैर करा रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है. एवरीवन इज़ बिजी इन इट्स ओन स्टफ, लेकिन एवरीवन इज़ एंजॉयिंग. लुक, ये एक सुल्तानत काफ़ी है, ये बहुत अच्छा है. यहाँ पर बाली कैकमेक मिलती है, विच इज़ फिश विद द ब्रेड, वो बड़ी मज़ेदार है. लुक, ये जो फिश लगाते हैं ब्रेड के अंदर, एक फ़िश लगा कर देते हैं, एंड इट्स रियली टेस्टी. इस तरह की ब्रेड होती है, उसके अंदर फिश लगाते हैं, इट्स रियली नाइस. ये मज़ीद कुछ जगह है बैठने के लिए, पिक्चर्स लेने के लिए, यानी यहाँ पर आप आकर जो है अपने इंस्टाग्राम के लिए 100 से 150 तस्वीरें तो आराम से ले सकते हैं. ये भी बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, कैफ़े भी है, पालमिया. लोग अपने पेट्स लेकर आए हैं साथ. ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, दीज टू आर स्ट्रीट डॉग्स. यहाँ पर लोग स्ट्रीट डॉग्स का बहुत ख्याल रखते हैं, और ये आप देख सकते हो, और वो उन्होंने हाथ में भी उठाए हुए डॉग्स, वो तो पेट डॉग्स हैं अपने ना. और ये मरीना कैफ़े यहाँ पर शुरू हो जाता है. मरीना कैफ़े इज़ वेरी नाइस. ये है कुम्पीर, कुम्पीर इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी डिश. इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा कुम्पीर के ऊपर. और ये देखो लोगों ने बच्चों की तरह अपने इन पपीज़ को उठाया हुआ. And this is Marina Cafe. It's really nice. I made many videos on Marina Cafe also. Look, और Marina Cafe काफ़ी बड़ा है. यहाँ पर हमने एक दिन नाश्ता भी किया था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी कम्प्लीट डिटेल में. सो ऑन दिस साइड ऑल्सो लुक इट्स Marina Cafe. Wow, so beautiful, right? लोग यहाँ पर बाहर भी बैठते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी ठंड हो रही है, इसीलिए इन्होंने बाहर शायद निज़ाम ही रखा हुआ. अदरवाइज यू कैन फाइंड देयर आर सो मेनी पीपल सिटिंग आउटसाइड. देखो बारिश का हल्का फुल्का मौसम हो रहा है, आई गेस इज गना रेन. सो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये पार्क पसंद आया होगा. ये पार्क अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, स्टिल कॉन्टिन्यू, और काफ़ी आगे तक जाता है ये पार्क. बट एनी वेज, आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी, ये सिटी कैसा लगा. और अगर आप तुर्की आएँ, आप इस्तांबुल आएँ, प्लीज़ विज़िट कुजाले. एज और जैसे कि आपने देखा है, इस काफ़
ये दिस प्लेस इज रियली पीसफुल एंड अ बेस्ट प्लेस फॉर फैमिलीज। और अगर आपको जायले में इस सिटी में अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट कंसर्न ऑल्सो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलेंगे आपको वेरी सोन एक और अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, शोर आउट।